मानसून के साथ बढ़ा बाढ़ का खतरा। बाढ़ को लेकर तैयारियों में जुटा बहराइच जिला प्रशासन। जैसे जैसे मानसून शुरुआत हो रही है, वैसे वैसे ही बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बहराइच में भी हर वर्ष बाढ़ से 100 तहसीलों के लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। हजारों बीघे जमीन नदियों की कटान की जद में आ जाती है, तो वही लोगों को अपने आशियाने छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। इस बार भी बहराइच के लोग बाढ़ की आहट से डरे हुए हैं, तो वही बहराइच की डीएम मोनिका रानी के निर्देशन में पूरा प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रकृति की तबाही को रोकने में प्रशासन की तैयारियां कितना कारगर साबित होती। जनरथ एक्सप्रेस। बहराइच बाढ़ के दृष्टिगत अति संवेदनशील जिलों में आता है और नेपाल में जो बारिश होती है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो जनपद बहराइच पर पड़ता है। इसके दृष्टिगत जो मोतीपुर के हमारे मेहीपुरवा तहसील के गांव हैं, चहलवा, मंगलपुरवा इत्यादि, तो वहां पर हमेशा 8-10 सालों से ये मांग थी कि वहां पे बाढ़ की वजह से काफी नुकसान होता है, तो वहां पे कटान रोधी कार्य करवाए जाए। तो इसी के दृष्टिगत जो है सिंचाई विभाग के द्वारा जो प्रथम बार जियो ट्यूब का कटान रोधी जो कार्य स्वीकृत कराया गया, इस पर योजना को स्वीकृत किया गया और उसके उपरांत वहां पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है और वहां के जो गांव के लोग हैं वो भी खुश हैं कि पहली बार उनकी 8-7 सालों की मांग थी और वो पूरी हो रही है और जिसके कारण उनकी जो फसल को नुकसान होता था, पशुओं को नुकसान होता था या जनहानि की आशंका होती थी तो उसमें रुकावट होगी। तो ये सिंचाई विभाग के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है उसकी कड़ी निगरानी भी की जा रही है और इसमें एक तकनीकी टीम का भी गठन किया गया है ताकि कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यही दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी बाढ़ अगर आती है तो किसी भी तरह की जन की धन की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो जियो पाइप लगाए गए हैं इससे कितने गाँव के लोगों को लाभ मिलेगा और कितने हेक्टेयर जमीन बच जाएगी जो बाढ़ नहीं। हमारे जो मोतीपुर तहसील के हैं लगभग 10 गांव सीधे सीधे जो हैं इससे प्रभावित होते थे बाढ़ से और जो कि ये कार्य होगा तो उनको काफी सहूलियत होगी और उधर की जो जन धन की हानि होती थी या पशुओं की हानि होती थी तो उसमें रुकावट होगी। और इसके अलावा 3,000 हेक्टेयर तक की हमारी जो कृषि भूमि है उसमें भी फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।